जैसलमेर प्रवास पर आए राज्य के वन पर्यावरण व जलवायु परिवहन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि करोड़ी लाल मीणा चिंतन शिविर से पहले वहां अशांति फैलाने गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोका था। चौधरी कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक क्राइट एरिया तैयार किया गया था, किन किन लोगों को बुलाया जाए। राजस्थान के किसी भी मंत्री को वहाँ नहीं बुलाया गया। करोड़ी लाल मीणा वहाँ अशांति फैलाने गए थे। भारतीय जनता पार्टी का और कोई दूसरा काम नहीं रहा। राजस्थान सहित पूरे देश में कैसे अशांति फैलाई जाए और दंगे हो, मीणा अशांति फैलाने के उद्देश्य से वहाँ गए थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी। चाहे कोई लोकसभा या राज्यसभा सांसद हो, कानून अपना काम करता है। करोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस से क्या लेना देना, वह भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए तनाराव सिंह की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक क्राइटेरिया तय किया किन किन लोगों को बुलाया जाए, तो हाँ तो उस तरह मंत्रियों ने राजस्थान के किसी भी मंत्री को उसमें नहीं बुलाया गया। ये राजस्थान का है नहीं, ये पूरे देश का और इंडिया का है। तो पूरे देश के लोग जो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में है चाहे किसी स्टेट में, एक क्राइटेरिया तय कर दिया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही लोगों को वो बुलाया गया। करोड़ी लाल मीणा पकड़ा नहीं गया, वो तो वहाँ पर अशांति फैलाने के लिए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का और कोई दूसरा काम नहीं रहा, एक ही काम रहा पूरे देश में और राजस्थान में कि इससे कोई छुटा नहीं रह सकता। किस प्रकार से कैसे लोगों को आपस में अशांति फैलाई जाए, दंगे फैलाए जाए, तो वो कोई वहाँ पर दंगे इस तरह अशांति फैलाने के उद्देश्य से वहाँ गए तो पुलिस ने उनको रोक लिया। अशांति फैलाने के लिए उनको अनुमति नहीं दी। उसमें चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। अशांति फैलाने का अधिकार तो किसी को नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस से क्या लेना, वो तो भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी लाल की।